नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार जनता की आवाज़ में सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अरुण जेटली को लेकर। अरुण जेटली ने कमेंट किया है ये बोलकर कि इंदिरा गांधी को तुलना किया हिटलर से। ये कह के कि इंदिरा गांधी ने जो विपक्ष पार्टी के साथ किया वही हिटलर ने अपने जंग में विपक्ष के लोगों के साथ किया, और साथ ही साथ ये चीज़ में पीएम मोदी ने सपोर्ट किया। तो चलिए नई मुंबई के लोगों से जानते हैं कि इस विषय पर उनका क्या राय है, क्या ये सही है या फिर गलत। तो सर, जैसे अरुण जेटली ने कमेंट किया है कि मतलब इंदिरा गांधी हिटलर की तरह है, मतलब हिटलर जैसे ही कमेंट किया, तो सर आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि इंदिरा गांधी हिटलर जैसे है। अरुण जेटली तो कर सकते हो, वो तो अभी रूलर पार्टी है, लेकिन वो एक महिला पंतप्रधान इतने दिन से अपना देश का कारोबार संभालती है, वो ऐसे नहीं हो सकते। उनका तरफ से सही रहेगा, लेकिन आम जनता का तरफ से वो गलत ही। तभी कोई तो रीज़न रहेगा, उसी हिसाब से उन्होंने किया होगा कमेंट। तो अभी इस टाइम तो गलत है, अभी जो माहौल चल रहा है इस टाइम तो गलत है। नहीं, वो तो उनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से, उनके हिसाब से किया होगा। ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी रॉन्ग। गांधी फैमिली ने जो किया है अभी तक, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी राइट डिसीजन लिया है अभी तक। इतने सारे आइलैंड, इतनी सारी चीज़ें जो उन्होंने गिफ्ट में कर दी हैं लोगों को, मतलब लाइक कुछ चीज़ें बांग्लादेश को दे दिया, आइलैंड बांग्लादेश को दिया है, इसके अलावा कुछ पाकिस्तान के पास में, और कुछ सर्टेन चीज़ें ऐसी दी हैं जो कि लाइक जो हमारे पास में होती तो आज हम लोग कहीं और होते। कोई पोर्ट डोनेट करता है क्या? कोई 1 बिलियन में पोर्ट मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए था। नेपाल अपने साथ में मर्ज होना चाहता था, उस टाइम पे क्यों नहीं? मतलब पूरी गांधी फैमिली का ही यही रूटीन है। आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग, दे कैन टेक एनी करेक्ट डिसीजन। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट कमेंट कि उन्होंने कोई भी, मतलब तानाशाही है यार, क्या कर रहे हैं? मतलब पब्लिक को क्या रिलीफ है? मैं अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 30% आप ले रहे हो, मुझे क्या बच रहा है? और ऊपर से एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि पता मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है। दिस इज द थिंग। तो हिटलर जैसी कुछ नहीं लगी वो, क्योंकि हमने भी देखा है, हम तो तब छोटे भी थे पर देखा उनका काम, हिटलर जैसा तो हमें कुछ नज़र नहीं आया उसमें। पता नहीं फिर जितने मुँह होती जितनी बातें होती है सब, पता नहीं कौन क्या हिसाब से बोलता है, पता नहीं पीएम मोदी ने क्यों बोला। बाकी मैं पीएम मोदी के साथ ही हूँ। मेरे फेवरेट है, हम उनके साथ ही है, और पता नहीं पीएम मोदी हमारे से ज़्यादा सोचते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि उन्होंने मेरे से ज़्यादा, उनकी एज है, उन्होंने ज़्यादा उनको देखा है। तो उसके अभी मुझे उसका उनका नहीं पता है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि वो हिटलर थे या नहीं थे, बट पीएम मोदी सर ने बोला है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी यही सोचती हूँ क्योंकि मुझे भी इतना उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर पीएम मोदी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, तो फिर उस बात पर विश्वास होता है हम लोगों को कि वो गलत नहीं बोलते, वो सब पूरी नॉलेज पूरा लेके ही बोलते हैं हर चीज़ का।